यादगार पलों का मनमोहक साक्षी, नवयुगल की नई और पहली चॉइस, बेस्ट वेन्यू फॉर एवरी ओकेजन, डेस्टिनेशन वेडिंग, एलिगेंट डिजाइन एंड एक्सप्रेसिव डेकोर, एक्सपीरियंस विद लग्जरी, ला फ्लोरा गढ़ रोड मेरठ। ड्रग्स माफिया व गैंगस्टर तस्लीम पर भले ही शिकंजा कसता जा रहा हो, लेकिन पुलिस की जानकारी में आया है कि वह जेल के भीतर से ही अपने गैंग व गतिविधियों का संचालन कर रहा है। आज मेरठ पुलिस ने उसकी 3 दुकानों को और जब्त कर लिया। इनकी करीब 2 करोड़ रुपए कीमत है। अब तक पुलिस इन दुकानों समेत करीब 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी तस्लीम की जब्त कर चुकी है। आज IPS चंद्रकांत मीणा ने यह जानकारी फर्स्ट बाइट को दी। तस्लीम पे गैंगस्टर का मुकदमा लिखा गया था थाना रेलवे रोड पे 161/21, जिसकी विवेचना लालकुर्ती से की गई है। उसके तहत ही गैंगस्टर में कुर्की की जा रही है। 3 दुकानें हैं जिनकी वर्तमान में कीमत 2 करोड़ से भी ज्यादा है। इन पे 50 से भी ज़्यादा मुकदमे विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं। NDPS के इनमें बहुत सारे मुकदमे हैं। ये अपने परिजनों के माध्यम से ड्रग्स जो है उसका काम करते थे और अभी वर्तमान में जेल में निरुद्ध हैं और 14 के तहत में कार्रवाई करी जा रही है। सर, जो इसके लिए जो है संपर्क किया जा रहा है संबंधित विभाग से और जानकारी ली जा रही है। सर, जो तस्लीम है उसके साथ साथ कितने परिजन अभी जेल में हैं, क्योंकि सब लोग सम्मिलित थे, लोग रेलवे रोड पुलिस ने जेल भेजा। इनके पुत्र, इनकी बीवी और इनके दामाद हैं, वो सब संलिप्त हैं। कुछ जो है इनमें जमानत पे वो बाहर आ गए हैं, तो उन पे भी नज़र रखी जा रही है कि फिर से उस कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं भी उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। संपत्ति के अलावा कोई और संपत्ति है तस्लीम की भी? उसकी भी जाँच चल रही है, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक इन पे इससे पहले भी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे सीज की थी, जिसकी 50 लाख से ज़्यादा वैल्यू थी। और उससे पहले लिसाड़ी के छाना क्षेत्र में भी एक प्रॉपर्टी सीज की थी। एक मकान था जो 250 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा था, जिसकी कीमत 2 करोड़ से ऊपर थी। कुल मिलाकर 5 करोड़ की संपत्ति अब तक जब्त की जा चुकी है। अब तक तकरीबन 3 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज हो चुकी है पहले से ही, और आज जो प्रॉपर्टी सीज कर रहे हैं वो 2 करोड़ से ज़्यादा वैल्यू है। सर, तस्लीम के उन ग्रुपों को भी खंगाला जा रहा है जो इसके साथ काम करते थे? जो भी इनके साथ में संलिप्त रहे हैं लोग, अभी भी जो है ये सूचना मिली है कि जेल में रहते हुए भी ये अपना काम जो है जारी रखे हुए हैं, तो इनके माध्यम से ये सब काम चल रहा है, उस पे पुलिस काम कर रही है। ठीक है, थैंक यू। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।